हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने बिजनेस स्टडीज के टर्म वन में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी कि 40 out of 40 स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में बिजनेस स्टडीज के क्लास 12th में। डेफिनेट है, गारंटीड, अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में से पूरे नंबर आएंगे बिजनेस स्टडीज में। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आपको ज्यादा केस स्टडीज करनी है। सर, ज्यादा केस स्टडी से क्या मतलब है कि कितनी केस स्टडीज करनी है, मैं आपको बता देता हूं। आपको एटलीस्ट 20 केस स्टडीज करनी है पर डे, 20 केस स्टडीज करनी है आपको एक दिन में। अगर आप एक दिन में 20 केस स्टडी कर लेते हो तो महीने में लगभग आप लोग 600 केस स्टडीज कर लोगे, 600 केस स्टडीज कर लोगे आप लोग एक महीने में। 1 महीने में 600 केस स्टडीज बहुत है, सफिशियंट है। 1 महीने में आप लोग 600 केस स्टडीज कर लोगे तो डेफिनेटली 2 महीने में 1200 केस स्टडीज, और जो बच्चा 1200 केस स्टडीज कर लेगा उसके डेफिनेट है फुल में से फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। बट केस स्टडीज करने का मतलब ये नहीं है कि हमने बस आंसर देखे और केस स्टडी को सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करना जरूरी है। आपको हर एक चैप्टर आपका आना चाहिए, हर एक चैप्टर आपको आना चाहिए अच्छे से, एकदम कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आप लोग केस स्टडीज की तरफ मूव ऑन करोगे, फिर आप केस स्टडी सॉल्व करोगे, देखोगे आपकी कितनी सही हो रही है, कहाँ पे गलतियां आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही गलतियां, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस है। तो उसको हम बोलते हैं SW, स्ट्रेंथ और वीकनेस। आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता लगाना है और अपनी वीकनेसेस का पता लगाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा, ये आपको ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, फिर उस चैप्टर में आप लोग ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर्स के ऊपर। मैंने हर एक चैप्टर की वीडियो बना रखी है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरे जो 6 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, 6 के 6 चैप्टर्स की मैंने वीडियोज बना रखी है, आप लोग जाके देख सकते हो। चौथा ये आता है कि सर हमें कॉन्सेप्ट ना लर्न नहीं होते, हमें पॉइंट्स लर्न नहीं होते, तो उसके लिए बिजनेस स्टडीज की कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट की बिजनेस स्टडीज की कुछ ट्रिक्स जो होती हैं वो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। मैंने सारे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट की ट्रिक्स बना रखी है, तो मैं पूरी बिजनेस स्टडीज की ट्रिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। तो दो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपका फुल सिलेबस तैयारी करवा रहा हूँ, साथ में आपको मैं बिजनेस स्टडीज की ट्रिक्स भी दे रहा हूँ ताकि आपको लॉन्ग टर्म में सारे कॉन्सेप्ट लर्न रहे, ठीक है। लेकिन आपको ये बात माननी है कि आपको कम से कम 20 केस स्टडी तो एक दिन में करनी ही करनी है यार। 20 केस स्टडी कोई ज्यादा नहीं है, अगर आप लोग 10 सुबह करते हो 10 शाम को करते हो गई 20 केस स्टडीज, गेटिंग इट। और महीने में 600 केस स्टडीज, और जो बच्चा महीने में 600 केस स्टडी कर रहा है वो तो गारंटीड फुल मार्क्स लाएगा ही लाएगा, गेटिंग इट। तो ये सारी स्ट्रेंथ है, इनको फॉलो करके आपके बिजनेस स्टडीज में 40 out of 40 आएंगे, गारंटी है। इसके बाद मैं लेके आने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इकोनॉमिक्स में फुल स्कोर कर सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।